आकाश पवार और आज का आपके पार्ट 8 में आपका बेहद स्वागत है। तो आज ये हमको रिवर क्रॉसिंग मिली है यहाँ पे पेंगोंग के रास्ते में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रवि कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है और अरुण जो है वो ड्राइविंग कर रहा है। अरुण के वीडियो में ही आपका स्वागत है, ये चैनल अरुण का ही है। जा रहा है, बहुत स्वाद आ रहा है। क्या हो जाएगी ये क्रॉस? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि ये बोनट तक पानी चला जाए इसके? हमको कहीं लद्दाख में मिल जाएगी रिवर क्रॉसिंग? नहीं भाई, आपकी किस्मत में है ही नहीं है अरुण, ये तो है ही है। मतलब ना कभी स्नो मिलती, हाँ ना कभी ये रिवर मिलती, हाँ पता नहीं क्या है यार। ये दुख दर्द काहे खत्म नहीं होते भाई जिंदगी से। भाई ये पानी इतना ठंडा है, बहुत ज्यादा इसका लेवल एकदम माइनस में जा रखा है, माइनस टेम्परेचर इसका पानी का पहुंचा हुआ है यहाँ पे। हेलो भाई, मैं हूँ अभय यादव, आप देख रहे हैं अरुण पवार। ये आ रही है यहाँ पे गाड़ी, ये भी गहरी नहीं है, कुछ ना भाई, ये नकली बना रखी है। टाइम वेस्टर्स, लेट गो टू पेंगोंग लेक ओनली। ओके देन, डन 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 डन, लेके आ जाओ मोड़। ये देखिए सम सिनेमैटिक शॉट्स बाय आकाश पवार फॉर यू गाइस। ये वहां पे अपनी तार हो रही है बैक। यहां पे बहुत सारे राइडर्स है क्योंकि अपने को पूरे रास्ते में एक यही रिवर क्रॉसिंग टाइप का मिला है। इसको रिवर क्रॉसिंग बोलोगे क्या बोलोगे? नाला क्रॉसिंग। अरे उधर से क्यों भाग गया ये? ओहो, ये इतना नोटी है ये बॉय, मानता ही नहीं है हमारी। तो भाई एकदम बादल यहाँ से टच होके जा रहे हैं, ये देखो इनकी कैसे शैडो पड़ रही है पहाड़ पे। बहुत हाई एल्टीट्यूड पे अभी हम लोग, अभी ऑक्सीजन की कमी किसी को महसूस नहीं हो रही है ना, थोड़ी सी महसूस ना हो रही यार। भाई हम हाई लेवल तक पहुंच चुके हैं, ठंड का महसूस हो रहा है भाई। हम भैंस का भाई, सच्चू नाम से सब डरे, हम सच्चू में रुक पहले दूध नहीं पीते। अबे यादव आपकी तरह, ओह हम भी भैंस का दूध पीते हैं, ठीक है। रिवर क्रॉसिंग नाला क्रॉसिंग। लेकिन भाई जो ये व्यू है ना, दिखाता हूँ यहाँ पे देख, रिवर क्रॉसिंग करने का नुकसान हो गया बहुत मोटा, ये वाली रिवर क्रॉसिंग करने का। क्या हो गया? गाड़ी में दिक्कत, देखियो बंद कर दी मैंने, अब देख यहाँ बन गई इसमें दिक्कत भाई। देखियो स्टार्ट करूंगा ना, अरे ये तो ये देखियो इसमें, अब देखियो ये दे एक्स्ट्रा लाइट, बताओ किसकी है? गैस करो, चिंता करो। पानी की लग रही है कुछ। वाइपर का पानी खत्म हो गया है ना आकाश? नहीं उसकी नहीं है ये। ये भाई DF की, जो DF लेवल होता है ना, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो BS6 व्हीकल्स में डलता है, उसकी लाइट आ गई है। तो वो तो घर पे भी आ रही थी ये तो? नहीं आ रही थी यार, अभी आई है। अभी देखना लिख के आएगा, इंजन विल नॉट स्टार्ट, ये धमकी देता है भाई, इंजन विल नॉट स्टार्ट इन 2400 किलोमीटर। मेरे को नहीं पता इस बारे में। देखिए आ गया 2300, अब 2300 हो गया, पहले वो दिखा रहा था जब से BS6 इंजन आए इनमें यूरिया डलता है। अच्छा, वहीं पे एक और वो है, पहले BS4 वगैरह में डलता था, जितने भी 2000 cc से ऊपर के इंजन होते हैं ना, उन सब में ये डलता है भाई। अच्छा अच्छा, तो वो तो ट्रक में तो डलती है। हाँ, तो ये में भी आ गया। अरे कब से यार, पर हमारे स्कॉर्पियो में तो नहीं डलता यार। आपकी BS4 है ना? नहीं अच्छा, कौन सा मॉडल है बताना? 2018। फिर 2018 में BS6 किसने बनाया था? आपकी सरकार ने। एनीवेज देखो भाई, प्लेन्स आ गए यहाँ पे, कितना प्लेन्स में भगाने का तो अलग ही मजा आता है, और जब वो पहाड़ी रास्ता आ जाते हैं फिर इतना ही खतरनाक लगता है। यहाँ पे व्यू देखना भाई, कितना लाजवाब, मतलब कैमरे में जितना दिख रहा है ना, रियल आंखों से 100 गुना ज्यादा बढ़िया है भाई। एकदम सुनसान, कोई दूर दूर तक नहीं मिलता आपको। और ये हवाबाज क्या करने लग गए इस पे? यहाँ पे डॉगीज भी हैं, सुनसान है तो इनको खाना भी कौन खिलाता है भाई यार। ये ऐसे कोई गाड़ी रुक जाए ना, ऐसे इन्होंने पैचेस बना रखे हैं रुकने के लिए, तो ऐसे भाग के आते एकदम से दौड़ के, तो आपके पास पड़ा हो तो कुछ खिला दो इनको, क्योंकि कुछ खाने को है ही नहीं, खाते क्या होंगे यार ये यहाँ पे। अरे अगर आदमी को जान मिली है ना, भगवान ने इनको खाने के लिए भी यहाँ पे दिया होगा। एक इनको देखना भाई, व्यू ही ब्लॉक कर दिया हमारा, तो दोनों ने अपने टांग लटका ली है। ये रीलर है ना, ये रील्स ने दुनिया खराब कर दी भाई। देखना अलग ही बाहर इनका चल रहा है पूरा सिस्टम। और ये जो भी इन्होंने
ना स्टंट करे ना भाई, अंडर सुपरविजन करे गए हैं एक्सपर्ट्स के। इसमें ना 5 की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी और कोई नहीं है दूर दूर तक, इसीलिए केवल करा है। हम लोग ये सब हरकतें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते पब्लिक रोड्स पे, तो बिल्कुल नहीं। रोड एकदम खाली थे, प्लेन्स थे, माउंटेन्स, हिल्स पे भी कभी मत करो। और अब बहुत ही स्लो स्पीड पे कर रहे थे, इस आकाश का शौक था बस इसलिए कर रहे थे। और सबसे खास बात थार थी, इसमें कुछ नहीं होता भाई, कोई भी आम गाड़ी साथ ये सब ट्राई करने की कोशिश ना करें। इसकी छत तो सीधी है, प्लेन है। हाँ, स्पेशली मारुति वो पिचक जाएगी भाई पूरी पूरी। ओ भाई यहाँ पे कितने तगड़े रोड है, 80 की स्पीड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बम्प आता है ना तो आकाश बोल पकड़ के बैठा है। आकाश का रिएक्शन देखना भाई, अभी जैसे थोड़ा सा भी जंप आएगा ना भाई, ये थार एकदम धूल जाती है। देखो मान जा यार हम उतर रहे हैं गाड़ी में, उतार रहे हैं, हमें उतार, हमें उतर रहे हैं, हम पैदल आ जाएंगे, रुक। गो अहेड, इट्स ऑल योर्स, चलो चलाने के आया हूँ। देखो गाड़ी, मैं तो गाड़ी चलाने के लिए आया हूँ, ये लद्दाख भाई इतना ब्यूटीफुल है। मैं बता रहा था ना आपको किसी तो वीडियो में कि भाई यहाँ हर पैंट पैंट पे रंग बदल देते हैं पहाड़। हरा पहाड़ देखा कभी आपने? पेड़ वाला नहीं, वैसा पत्थर हरा, देखना यहाँ पे लाल है, यहाँ हरा पत्थर है। शायद कैमरे में आपको पता नहीं, वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन ये हरा है यार। और यहाँ पे बीच बीच में लाल भी है, तो देख ले, लाल भी है, काला भी है, सफेद, ब्राउन, बस पिंक ही नहीं है। और भाई ऐसा मत सोचो कि यहाँ बस पहाड़ी है, यहाँ पे हरियाली भी बहुत है। और ये देखो थार अपनी, क्या मस्त नजारे हैं यार, मजा आ जा रहा है। पानी क्या हो गया, क्या हो गया ले। अभी जो आपने शॉट देखा भाई, अबे की मेहनत थी, ये दिखाना चाहता था कि पेड़ भी है यहाँ पे, और इसकी हालत देखो। अब हम लोग श्योक में पहुंच गए भाई, और हम लोग नेचर के लिए इतना अपना नेचर के प्रति इतना जागरूक हैं कि हम टॉयलेट भी ही में जा रहा है। अरे पिछले थोड़ी देर पहले जो हम कर रहे थे उधर, वो क्या था? अब जब भाई अब इमरजेंसी में तो देखो करना पड़ता है, लेकिन सुनो ना रवि गलत में घुस गया। बाकी भैया बीच रोड पे खड़े होकर आराम से फोटो शूट भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ इतनी कम है ना कि आप आराम से टाइम लीजिए अपना, जैसे हमारा रवि ले रहा है। आप भी आराम से टाइम लेके फोटो वोटो खिंचवाओ अपना, बढ़िया से एंजॉय करो, गाड़ी के ऊपर मत बैठो, गाड़ी के आते ही भाग जाओ। अरे अरे आ गई 406 आ गई। आती ही चलेगी सेल्टोस, क्या गाड़ी है सेल्टोस लेके आते तो अलग ही मजा आता, आप लोग भी एंजॉय कर पाते। अरे वो दीदी तो बैठ गई। अरे अरे दीदी हमारी थार आ रही है, हट जाओ। कोई नहीं भाई, लेट देम एंजॉय, लेट देम क्लिक whatever pose they want to click their photos in। ओ भाई आर्मी ट्रक देखो यार, कितनी बुरी तरह एक्सीडेंट हो रखा है। हैं भाई रोड भी तो देख कितने खतरनाक है ये। और जो आर्मी ट्रक भाई एक्सीडेंट हो सकता है तो फिर बाकी का तो क्या ही कहना, ट्रेंड ड्राइवर्स होते हैं एकदम डिसिप्लिन। ये मेरे ख्याल से लैंडस्लाइड के कारण हुआ होगा। हां हो सकता है। यहाँ पे नेटवर्क आ जाते हैं भाई 43 किलोमीटर पहले, क्योंकि यहाँ पे आर्मी एरिया है। और सामने आप देखोगे ना यहाँ पे टावर भी खड़ा हुआ है भाई। हम लोग पहुंच लिए डरबुक वट एवर इट इज। यहाँ पे ये लोग भाई, यहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट है, पीछे मैं दिखाऊँ एक मिनट, पीछे देखो और आगे तक देखो, ये बेचारे सब पे डोल लिए, पर इनको जो ना जो कहीं पे खाना मिल रहा है, सब कह रहे थे भाई खत्म हो गया, पता नहीं क्या सिस्टम है भाई यार, इतनी हैवी डिमांड खाने की। वाओ यहीं पे एक रेस्टोरेंट खोल लो, बहुत बढ़िया बिजनेस चलेगा। अब हम ऐसे ही तो होते हैं भाई लेट, ये इतना टाइम वेस्ट करते हैं खाना पीना ढूंढने में। 42 किलोमीटर कुल 52 मिनट का बचा हुआ है पेंगोंग लेक पे, पर कह रहे हैं भाई वहां पे कुछ मिले ना मिले खाने के लिए, तो यहीं पे खा लेते हैं। तो है यहाँ पे ओ फाइनली मिल गया, लड़के की स्माइल देख लो। वैसे हमारी जो थार है उसका तो पेट फुल है भाई, प्लस अगर आप माइलेज की बात करते हो इतने भयंकर पहाड़ों में, तो मैं आपको अभी एक सेकंड में दिखाता हूँ इतने दुनिया भर की 10.8 की देगी। ठीक है, आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड 10 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज से, विद डीजल ऑटोमेटिक। ऑर्डर दे दिया गया है, जैकेटें पहन ली गई हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया है। वैसे मैं आपको बता दूँ, दिस ट्रिप इज स्पॉन्सर्ड बाय boardmo.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख लेना। गाड़ी के स्पेयर पार्ट मंगवाने हो तो आराम से मंगवा लेना, घर बैठे बैठे आपको दे जाते, दे दो आंटी चाय दे दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, boardmo से आप भी मंगवा लें, जैसे हमने आपसे चाय मंगवा ली, आप स्पेयर पार्ट मंगवाना, चाहे आप यहाँ पे मंगवाना पहाड़ों के बीच, जब ठंड लगे आपको हमारी तरह।
अरे ये क्या है गूगल मैप्स पे, यू हैव अराइव्ड पेंगोंग लेक व्यू। भाई कहाँ है अबे, चाइना तो पूरा पानी नहीं पी गया भाई। ये बंजर तो ना है, सूख गया है, सूख तो नहीं गया। क्या ये ऐसा तो नहीं है कि उसका नया रूप हो कि दिखे ऐसा रहा और हार में। यार पहले तो अच्छी हुआ करती थी, यू हैव अराइव्ड पेंगोंग लेक व्यू। पता नहीं शायद वो गाड़ी वो जाती दिख रही है, गाड़ी तो बहुत आगे तक जा रही है मुझे लगता है। देख कितनी दूर जा रही है गाड़ी। हम सही तो जा रहे हैं ना, सही तो जा रहे हैं, लेकिन आगे यार ये गूगल मैप्स भी पागल बनाता है हमको। एक बंदा बहका रहा था सुबह सुबह ना कि भाई वहाँ तो 10 घंटे लगते हैं पहुँचने में। हाँ 12:30 चले थे और 6 बजे हम यहाँ पे पेंगोंग लेक भी पहुँच गए हैं अकॉर्डिंग टू गूगल। पर गूगल यहाँ पे झूठ बोलता है सही में बहुत ज्यादा यार। फिर भी 4 घंटे का थोड़ा बहुत तो व्यू होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत। ओ वो दिख रहा है, ओ अरे ओ भाई व्यू ऑफ वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक 4 किलोमीटर। भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको अल्टीमेटली फर्स्ट व्यू है भाई। यहाँ से देखो वर्ल्ड फेमस पेंगोंग 4 किलोमीटर आ गया। चलो फटाफट भागो। ओ ये क्या है यहाँ पे शिप से, ये आगे देख, ये देख ओ भाई। अरे यार नीलो ये देख आगे करना, ओ भाई आगे देख, ओ अरे ये तो आर्मी का भी है यहाँ पे, कुछ मिलिट्री एरिया है भाई। क्या है ये, क्या है ये, ओ अबे अब देख इधर, यार इसे पानी कहाँ से आता है भाई, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है भाई। यहाँ पे ये इतनी सुंदरता है ना, ये तीनों को देखो भाई, एक ही विंडो में से झांक रहे हैं तीनों के तीनों, देखना भाई। ये इसमें से दिखा जा रहा है ऊपर, अंदर धार में से तो दिखना रही है। हाँ यार देखना आकाश, ये नीचे साइड हो गया ये, मतलब यार थार में ही दिक्कत है, मतलब इतना सुंदर नजारा। ये प्रॉब्लम तो यहाँ के पता चली है अगर, लेकिन यार देखने दिखाने लायक चीज है भाई, है भाई ये। जो रियल आंखों से आप देखोगे ना ऐसे लगेगा वाह वाह भाई। ऐसे हम ना बहुत आगे तक जा रहे हैं क्योंकि बहुत लोग आप पीछे रुक जाते हैं। चाइना किधर है, चाइना। सो भाई आ गए हैं हम पेंगोंग लेक पे, सॉरी पेंगोंग लेक पे, और यहाँ पे अब अपनी गाड़ी की ऑफ रोडिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रोड नहीं हो रहा। देख सकते हैं एक फॉग लैम्प जल रहा है और एक फॉग लैम्प जल ही नहीं रहा है। भाई एक बात बताओ, तुमने फॉग लैम्प क्यों चलाया था भाई, थोड़ा लुकाने के लिए। क्यों, आपकी एक आंख भेंडी है क्या? कैसा चल रहा है, एक चल रहा है। और करा लो आफ्टर मार्केट काम। ये देखिए ऑफ रोडर्स, रियल ऑफ रोडर्स, ये एडवेंचर कर देंगे, राइडर्स, हीरो हीरो, साइड भी नहीं देंगे, दबाएंगे नहीं, बीच में चला देंगे, खड़े होके फुल मौज उड़ा लेंगे, ऐसी ऐश कर डालेंगे। इन्होंने खोद रखा है जिससे लोग ऐसे ना लेके जाए, मतलब पेंगोंग लेक में आपने देखा होगा एक बार ओडी वाले गए थे हरियाणा में, उसको कितना कलेश हुआ था, चलान वलान और सोशल मीडिया में खामा खाए कि उनकी बेइज्जती हुई। तो यहाँ से लेके जा सकते हैं बड़े प्यार से, थार तो बड़े प्यार से जाके यहाँ से जाके और यहाँ पे चली जाएगी आराम से, लेकिन ये सब हरकतें नेचुरल चीज़ों को खराब नहीं करनी चाहिए, कंजर्व वाइल्ड लाइफ। देखो भाई तो हमको ये सब चीज़ हम क्यों करें, तो यही वाली है यार, नज़ारों के लिए आते हैं और थार वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं। थोड़ा सा दुख थोड़ा सा होता है, मेरे को तो नहीं होता भाई, मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ नॉन स्टॉप 4-5 घंटे से, लेकिन इन भाइयों को होता है। मेनली मुझे नहीं होता, कैसे होता है बता, ऊपर से नहीं होता तो ये, मतलब थोड़ा सा मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, तुमको तो मेजर होता है ना भाई, तुम तो आए ही नजारे एंजॉय करो। ये बताओ हम इसका यूज कहाँ पे करेंगे, हम इसको करवाते बारिश करवाते हैं तेरे लिए जब। तो भाई पेंगोंग लेक नहीं जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा दिमाग से यहाँ पे काम ले रहे क्योंकि देखो 7 बज चुके हैं और यहाँ पे क्या है ना टेंट है। देखो हम ना दूसरे रास्ते से उतर गए थे, हमको यहाँ से उतरना चाहिए जहाँ से हम पिछली बार कंपास के लेके आए जब उतरे थे, वो लकड़ी के से बहुत महंगे होंगे जो बहुत। अरे यहाँ पे यही देखियो तो कितने महंगे मिलेंगे, तो हम सोच रहे हैं यार पहले ना एक बार अपना रूम वूम फिक्स कर लेते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं, और लेक पे तो बाद में घूम लेंगे। तो भाई पहले यहाँ पे अपना ना रूम रिजर्व कर लो क्योंकि जितनी रात होती जाएगी इनको पता चलता रहता है कि मजबूरी है इनकी, तो और जितना टाइम बढ़ता जाएगा इनका प्राइस भी बढ़ता रहेगा, तो पहले हम एक रूम सा बुक कर लेते हैं उसके बाद हम उस पे पेंगोंग लेक पे घूमेंगे। अरे यार पेंगोंग लेक पे ना ये कैंप वैम ढूंढने भी भाई बड़ी दिक्कतों का काम है, पहले तो हम इसमें रुके थे तो मैं इनको यहीं पे ले आया, अभी ये दोनों गए थे पूछने, 1 घंटे हो गया इनको भाई ढूंढते ढूंढते, एक तो हमें ज्यादा बोल दिया, अभी ये बुला रहे हैं हाथ कर करके, अभी तो ऐसे ही हाथों में हाथ डाल के वापस आने लगे, लगता है मिले गया लगता है इनको मेरे ख्याल से। हाँ 3500 रुपये का है और एक्स्ट्रा बेड का 1000 रुपीस पर बेड, मतलब
एक ये कैंप दे देंगे 3500 का, उसके बाद बेड लगवाएगा उसका 1000 रुपए लगेगा। ठंड लगेगी ऐसो में तो, हाँ वो नीचे तो ठंड लगेगी धरती में। सबसे पहले तो व्यू देखो भाई कितना मस्त हमने ले लिया है भाई। ओ आ गए तो बेइज्जती करवा रहा है यार ये। हाँ जी घड़ी हाँ बंद कर, बंद करेंगे अंधी है ये, मन की मर्जी है, जब चल जाता है कहीं बंद हो जाता है। अबे भाई जी हमको अपना रूम टूर तो दे दो, हमने भाई ये वाला कैंप ले लिया है सबसे इधर वाला। हाँ कैंप है, रूम नहीं बोलेंगे इसको। और बहुत भीड़ है भाई, भूखे सारे एक सारे हमको ही मिल गया। ये ऐसा दिखता है 400 का कैंप है हमारा, 400 नहीं 4000 का है। इसी पे सो जाएंगे चारों एक दूसरे को चिपक के। एक नीचे है हालांकि, पर भाई नीचे वाले को ठंड बहुत बुरी लगेगी। हाँ कुछ नहीं लगेगा ठंड, पैक कर देंगे जी, पैक कर देंगे सर। इसमें ब्रेकफास्ट और डिनर भी इंक्लूडेड है। ये वॉशरूम है भाई, देखो कितना साफ है यार एकदम ना। हाँ एकदम साफ है, टिशू विशू सब कुछ है, वेंटिलेशन भी है और टॉयलेट पेपर। चलो ना नीचे चलते हैं, पेंगोंग लेक तो देखे हैं। ये टेंशन फ्री हो गया अपना, रात को लाइट आ जाएगी तब दिखाते हैं आपको जला के। कार इस पागड़ चलते हैं, यहीं तक जा सकती है भाई, इससे आगे तो भाई आगे तो वही बस जिगरे वाले लेके जा सकते। हाँ मोटो क्या नजारे हैं भाई इन लोगों का। भाई मैं आलस बताता हूँ, मतलब इतनी ठंड पड़ रही है इधर, ठंड सह लेंगे लेकिन जूते नहीं पहनेंगे। आलस आता है उनका कौन, ले लद्दाख का ट्रिप बिना जूते, बिना जूते भाई, अच्छा जूते भाई पूरा वहां से अब तक नहीं पहने लिया, सरचू में पहने ना अब तक यहाँ तक। अभी तो भाई टाइम हो गया 7:30 बज गए, जिससे यहाँ देर गुस्सा हो गया सुबह, मतलब असली मजा आएगा। यहाँ पे काफी लोग भी हैं भाई, इधर बहुत भीड़ सी है, मतलब ऑन सीजन आते हैं ना तो लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। ऐसी है पेंगोंग लेक भाई, इसका ना 30% हिस्सा इंडिया में है, बाकी 70% ये चाइना में ही है। इससे आगे आप जाते तो चाइना स्टार्ट हो जाता है। और एक और चीज भैया, पेंगोंग लेक पे ना टावर तो आ रहे हैं जियो के, पर ना कॉल मिल रही ना नेट चल रहा, पता नहीं क्या चक्कर। मिला के दिखाई एक मिनट, कॉल नेटवर्क पूरे हैं बट कॉल नहीं आ रही, कॉल फील्ड किया जाता है बस। मतलब यहाँ पे ना मतलब ऐसे बस इंजॉय करने आओ, मतलब फोन वोन को भूल के एकदम से, एकदम मतलब भूल के प्लेजर लेने के भाई लिए। इस चीज के लिए हमें, मैं और अबे भाई हमारे में नहीं है नेटवर्क, नहीं है नेटवर्क, फोन है वोडाफोन है। यहाँ पे देखो भाई मेन्यू मिलता है, लेकिन हमने जो 4000 में बुक कराना उसमें डिनर भी अपना इंक्लूडेड है, डिनर और ब्रेकफास्ट। ये भाई अंदर बनाने लग रहे हैं भाई, क्या सर्विस है यार रियलिटी में, मस्त भाई एक नंबर सर्विस भाई। क्या लोग हैं यहाँ के है ना, 8 बजे से बुलाने लग रहे हैं। चलो अब रोटी खा के ना हम सोने चल जाते हैं भाई यार, बहुत थक गए ड्राइव करते करते, थक जाता हूँ यार मैं अकेला ड्राइवर हूँ, इन पे चलानी नहीं आती, भाई इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी। हम तो ऊपर आ लिए अपने कैंप में पढ़ने के लिए, कि हम तो भैया सो रहे सुबह के, चल रहे हैं यार चार पांच घंटा इतनी ड्राइव करने के बाद, फटाफट सो जाओ। पता नहीं यार इस पे हमको, हम इस पे हम नहीं सो रहे भाई, इसमें कोई सा भी, हम तो चारों इस पे सोएंगे, चारों एप सो जाएंगे, चिपक चिपक के पूरा जैकेट वैकेट पहन के मैं तो सोऊंगा भाई, मैं ना कुछ उतार रहा हूं। अरे हमने पता है यहाँ पे वो कॉटेजेस भी है पहाड़ में, मतलब लकड़ी के भी है, लेकिन हमको कुछ अलग एक्सपीरियंस करना था, टेंट का एक्सपीरियंस लेना था, तंबू ठंड कैसी है, नेचुरल ठंड, हमारी थार को ठंड ना मार जाए, लेकिन नहीं मारेगी यार थार अपनी भाई, मतलब सरचू में स्टार्ट हो गई तो देखना अभी तक कहीं 1% भी उसने धोखा दिया है। ये तो बात है यार, खचमा चली आई भाई, बीच रास्ते में कितनी गाड़ियां ऐसे खड़ी मिली, जो मतलब भगवान का नाम लेके तो चलते, उनकी गाड़ियां कभी खराब नहीं होती है। चलो भाइयों मैं तो रहा हूँ सो, वीडियो देखना धन्यवाद, गुड नाइट।